वेलकम डियर स्टूडेंट्स, बायोमोलिक्यूल्स के सेपरेशन टेक्निक्स में आज हम एकेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि एकेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है एंड किस तरह से इसके ऊपर हम काम करते हैं, वर्किंग स्टेप्स क्या है, इसके एप्लीकेशन क्या है। इस टॉपिक के ऊपर बच्चों एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बन जाते हैं, आपके नेट सेक्शन बी में भी आ जाते हैं, नेट सेक्शन सी में भी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसके साथ ही अगर आप कॉलेज लेक्चरर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी इस टॉपिक में से क्वेश्चन बनते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इन जनरल हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस को इससे पहले की वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। छोटे छोटे पॉइंट्स बच्चों मैं आपको अपने वीडियो लेक्चर में देती हूँ, जो कि आपके एमएससी में कंसेप्ट क्लियर करने में, कॉलेज लेक्चर एग्जामिनेशन की तैयारी में एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में आपको काफी हेल्प करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं रेशमा कपूर, बॉटनी लेक्चरर, जयपुर, राजस्थान से। एकेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को पढ़ने से पहले हम इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होती है इसको समझ लेते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस एक सेपरेशन टेक्निक है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट यूज करने पर मॉलिक्यूल्स का सेपरेशन होता है। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके ऊपर कोई चार्ज प्रेजेंट होता है या जिनके ऊपर हम चार्ज इम्पार्ट कर सकते हैं, उनका सेपरेशन इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक के द्वारा किया जा सकता है। जैसे कि डीएनए हो गए, आरएनए हो गए, या प्रोटीन्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं, पेप्टाइड्स हैं, तो ऐसे बायोमोलिक्यूल्स जिनके ऊपर कोई चार्ज प्रेजेंट होगा या जिनके ऊपर हम चार्ज इम्पार्ट कर सकते हैं, उनका सेपरेशन इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक के द्वारा किया जा सकता है। यहाँ पर जो सेपरेशन होता है वो मॉलिक्यूल्स पर प्रेजेंट चार्जेस एंड उनके मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंगली होता है। कुछ इस तरह से हमारी इलेक्ट्रोफोरेटिक यूनिट होती है, जिसमें एक बफर टैंक होता है जिसमें हम अपनी जेल कास्टिंग ट्रे को रखते हैं। सपोर्टिंग मीडिया के जैसे यहाँ पर हम जेल काम में लेते हैं। फॉर्म्स की हेल्प से हम वेल्स बनाते हैं एंड अपने सैंपल को जिनका हमने सेपरेशन करना है उनको हम इन वेल्स में लोड करते हैं। दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक इलेक्ट्रोड पर पॉजिटिव चार्ज और एक इलेक्ट्रोड पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई किया जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड काम में आ रहा है, तो जब भी मॉलिक्यूल्स का सेपरेशन इलेक्ट्रिक करंट के इन्फ्लुएंस में होगा, इसका मतलब वहाँ पर सेपरेशन के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस काम में आ रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस लगते हैं एंड मॉलिक्यूल्स का सेपरेशन होता है। बच्चों आपको पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस में पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन होता है। तो हमारे मॉलिक्यूल्स जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होना चाहिए या नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होना चाहिए, तभी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपना काम करेंगे। सो इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा जो भी मॉलिक्यूल्स सेपरेट किए जाएंगे उनके ऊपर चार्ज प्रेजेंट होना जरूरी होता है एंड मॉलिक्यूल्स का सेपरेशन अपने चार्जेस के बेसिस पर होता है। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि कुछ मॉलिक्यूल्स जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करते हैं एंड कुछ मॉलिक्यूल जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है वो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर आपको सिंपली ध्यान में रखना है कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है उनको हम केटायंस कहते हैं। केटायंस जिस इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे उनको हम कैथोड कहते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो पॉजिटिव चार्ज केटायंस के लिए कैथोड के पास में नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, तभी पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई होगा। इसी तरह से ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके पास में नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है उनको हम एनायंस कहते हैं एंड एनायंस को अट्रैक्ट करने के लिए जो इलेक्ट्रोड होता है उसको हम एनोड कहते हैं। नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करने के लिए एनोड के पास में पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से बहुत ही सिंपली आप समझ सकते हो कि मॉलिक्यूल्स का जो सेपरेशन हो रहा है वो चार्जेस के बेसिस पर हो रहा है एंड मॉलिक्यूल्स अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज के साथ में जो हमारा इलेक्ट्रोड है ये हो जाएगा कैथोड एंड पॉजिटिव चार्ज के साथ में जो इलेक्ट्रोड है उसको हम कहेंगे एनोड। ठीक है, समटाइम्स कंफ्यूजन हो जाता है कि कैथोड के पास में कौन सा चार्ज होगा, एनोड के पास में कौन सा चार्ज होगा। तो आपको सिंपली ध्यान में रखना है पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल्स या आयंस कैटायंस होते हैं
एंड इसके लिए कैथोड होता है। पॉजिटिव के अपोजिट चार्ज होगा कैथोड के पास में, तो कैथोड में नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। इसी तरह से नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल्स एनायंस होते हैं एंड एनायंस के लिए एनोड के पास में अपोजिट चार्ज प्रेजेंट होता है, दैट इज पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, सो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन भी बच्चों दिया जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि आपके पास में दो मॉलिक्यूल्स हैं एक्स एंड वाई। एक्स पर आपको दे दिया, जैसे सपोज दे दिया कि इसके ऊपर प्लस थ्री चार्ज है एंड वाई पर दे दिया माइनस टू चार्ज है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनका जो माइग्रेशन होगा इन मॉलिक्यूल्स का कैथोड की तरफ होगा या एनोड की तरफ होगा, ठीक है, या इनका बैंड किस डायरेक्शन में हमको मिलेगा। तो सिंपली आपको ध्यान में रखना है प्लस थ्री चार्ज के साथ में ये कैटायंस है, कैटायंस मूव करेंगे कैथोड की तरफ एंड माइनस टू चार्ज के साथ में जो वाई मॉलिक्यूल है ये मूव करेगा एनोड की तरफ। तो अगर हम इलेक्ट्रोफोरेसिस को मोर प्रिसाइसली डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस इज एन एनालिटिकल सेपरेशन टेक्निक, एनालिटिकल सेपरेशन टेक्निक विच इज यूज टू सेपरेट बायोमोलिक्यूल्स हैविंग चार्ज और कैन बी चार्ज्ड। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू पोरस जेल सपोर्टिंग मीडियम। दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो सेपरेशन हो रहा है इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्सेस के कारण हो रहा है, सो रेट ऑफ माइग्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी चार्जेस के। ठीक है, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा माइग्रेशन होगा, है ना। अगर यहाँ पर मान लो कोई मॉलिक्यूल्स है पॉजिटिव चार्ज के साथ प्लस थ्री प्लस टू प्लस वन, तो सबसे आगे हमारे को प्लस थ्री का बैंड मिलेगा, ये इसका मूवमेंट फास्टर होगा, देन प्लस टू का एंड देन फिर प्लस वन का। इसी तरह से माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री का बैंड हमको मिलेगा। सो रेट ऑफ माइग्रेशन अगर इसको वी से डिनोट करें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्जेस के, एंड रेट ऑफ माइग्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मॉलिक्यूलर वेट के या साइज के। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, इसको हम पहले डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कराने के लिए हम सपोर्टिंग मीडियम के जैसे जेल काम में लेते हैं, और जब ये जेल एगेरोस होता है तो इसको हम एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। तो नाउ डिस्कस एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसको इन शॉर्ट हम AGEHV कहते हैं। सो एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये एक टाइप का इलेक्ट्रोफोरेसिस ही है जिसमें हम सपोर्टिंग मीडियम के जैसे जेल ये जैसे एगेरोस को काम में लेते हैं, एगेरोस का हम जेल बनाते हैं। इसका यूज किया जाता है मेनली न्यूक्लिक एसिड के सेपरेशन में। एक एक पॉइंट्स बच्चों जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर क्वेश्चंस बन जाते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। आपको ध्यान में रखना है कि एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेनली काम में लिया जाएगा न्यूक्लिक एसिड के सेपरेशन में, जैसे कि DNA हो गया RNA हो गया, एंड यहाँ पर जो सेपरेशन होता है वो साइज और वेट के बेसिस पर होता है। इन जनरल आपको ध्यान में रखना है जो DNA होते हैं, जो हमारे न्यूक्लिक एसिड होते हैं, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, नेगेटिव चार्ज फॉस्फेट के कारण प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड का अब जो सेपरेशन होगा ना वो इनके साइजेस और वेट पर डिपेंड करेगा। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं समझना आप लोग कि एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा हम प्रोटीन का सेपरेशन नहीं कर सकते। प्रोटीन का भी सेपरेशन एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा किया जा सकता है, लेकिन इसका जो मेनली यूज किया जाता है वो न्यूक्लिक एसिड के सेपरेशन के लिए किया जाता है, क्योंकि इसके जो पोर्स बनते हैं ना इस जेल के वो बड़े साइज के पोर्स होते हैं। ठीक है, लार्ज साइज के पोर्स बनते हैं, एंड प्रोटीन का जो साइज होता है वो कंपेरेटिवली टू DNA या RNA छोटा होता है। ठीक है, अगर हम कंपेयर करें, मान लो हमारे पास में
कोई 100 अमीनो एसिड का प्रोटीन है एंड यहाँ पर 100 बेस पेयर का हमारे पास में कोई न्यूक्लिक एसिड है हमारा डीएनए, ठीक है। तो एक बेस पेयर का जो अप्रोक्सीमेटली वेट हम लेते हैं वो 660 डाल्टन होता है, तो 100 के लिए वेट हो गया 660 किलो डाल्टन। इसी तरह अगर हम एक अमीनो एसिड का वेट देखें तो इसका अप्रोक्सीमेटली वेट 110 होता है, ठीक है, 110 डाल्टन होता है, तो 100 के लिए इसका वेट हो जाएगा 11 किलो डाल्टन। तो यहाँ पर डीएनए का साइज बड़ा है इसलिए जो एच काम में लिया जाता है वो मेनली न्यूक्लिक एसिड के सेपरेशन के लिए काम में लिया जाता है। इसका अगर हम प्रिंसिपल देखें, एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का वही प्रिंसिपल है जो हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस के प्रिंसिपल को हमने डिटेल में डिस्कस किया है। इसमें हम बफर टैंक लेंगे अपना जेल को तैयार करके, जेल कास्टिंग मोड में, जेल कास्टिंग मोड में अपने जेल को हमने पोर कर दिया एंड कॉम्स की हेल्प से हम वेल्स बनाएंगे, ठीक है। दो इलेक्ट्रोड है हमारे, डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है तो नेगेटिव चार्ज डीएनए का जो माइग्रेशन होगा वो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ होगा, इट मीन्स इसका जो माइग्रेशन होगा वो एनोड की तरफ होगा, ठीक है, ध्यान में रखना है। तो जब आप वेल्स बनाएंगे तो आपको ध्यान में रखना है कि आप कैथोड की तरफ वेल्स बनाएंगे, ठीक है, कैथोड जिसके पास में नेगेटिव चार्ज होता है उस तरफ आप वेल्स बनाएंगे। और ये हो गया हमारा एनोड एंड इसमें हमने अपना एगेरोस जेल को फिल किया हुआ है, ठीक है। जब हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं, पावर सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो हमारा डीएनए है वो सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है एंड अपने मॉलिकुलर वेट के अकॉर्डिंगली हमारे को डीएनए के बैंड्स मिलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से नेगेटिवली चार्ज डीएनए या आरएनए पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड दैट इज एनोड की तरफ मूव करते हैं जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करेंगे, और इनका जो सेपरेशन होता है, इनका जो माइग्रेशन होता है वो इनके साइज या मॉलिकुलर वेट के बेसिस पर होता है। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं तो डीएनए फ्रेगमेंट्स अपने साइज के अकॉर्डिंगली सेपरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। स्मॉलर साइज के जो फ्रेगमेंट्स होंगे वो फास्टली माइग्रेट करेंगे, उनका बैंड हमको आगे मिलेगा, जबकि बड़े साइज के जो फ्रेगमेंट्स होंगे वो स्लो रेट से माइग्रेट करेंगे इसलिए उनका बैंड हमको पीछे की ओर मिलेगा। बैंड्स को हम यूवी लाइट के द्वारा विजुअलाइज करते हैं। एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में एगेरोस को किससे डिराइव किया जाता है, किस तरह से हम अपना जेल तैयार करते हैं, एगेरोस के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं, इसको अब हम पढ़ लेते हैं। इसके ऊपर भी बच्चों क्वेश्चंस आ जाते हैं। एगेरोस को डिराइव किया जाता है रेड सी वीट से, ये एक नेचुरल लीनियर पॉलीमर है, आपको ध्यान में रखना है कि ये गैलेक्टोज एंथ्रेसिस एनहाइड्रो गैलेक्टोज का पॉलीमर होता है। इसके साथ ही अकार का एसेंशियल कंपोनेंट है, इसको आइसोलेट करके एज ए ड्राई पाउडर इसको स्टोर करते हैं, मार्केट में इसका ड्राई पाउडर मिलता है। जेल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एप्रोप्रिएट कंसंट्रेशन में हम एगेरोस लेंगे। जस्ट सपोज हमने यहाँ पर 5 ग्राम एगेरोस लिया, ठीक है, इसको अब हम एक फ्लास्क लिया एंड इसको डिसॉल्व करेंगे अपने बफर सॉल्यूशन में एंड 100 ml तक मेकअप कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा जो जेल तैयार होगा वो 0.5 कंसंट्रेशन का होगा, ठीक है। एगेरोस के इस तरह से बच्चों थ्रेड होते हैं, लीनियर पॉलीमर है ना, इस तरह से इसका स्ट्रैंड होता है, इंडिविजुअल स्ट्रैंड। जेल बनाने के लिए जब हम इसको बफर सॉल्यूशन में ऐड करते हैं इसको हम हीट करते हैं, ठीक है, एंड हीटिंग जो टेम्परेचर होता है वो 70-90 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको हीट किया जाता है। हीट करने पर क्या होता है, जो इसके इंडिविजुअल स्ट्रैंड्स थे अब वो इस तरह से आपस में इंटरवाइंड होने लगते हैं, इस तरह से ये स्ट्रैंड्स इंटरवाइंड होकर अरेंज हो जाते हैं, डिसॉल्व कर हो जाना चाहिए कंप्लीटली हमारा एगेरोस, ठीक है। तब तक हम हीट करते हैं जब तक हमारा एगेरोस कंप्लीटली डिसॉल्व ना हो जाए एंड हमको एक ट्रांसपेरेंट क्लियर सॉल्यूशन ना मिल जाए, ठीक है, तब तक हम इसको हीट करते हैं। जब हमारा को ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन दिखाई देता है, कम्प्लीटली एगेरोस बफर में डिसॉल्व हो जाता है, अब हम इसको कूल डाउन करेंगे।
है, इसकी कूलिंग की जाएगी। एंड कूलिंग हम करते हैं रूम टेम्परेचर पर। रूम टेम्परेचर पर कूलिंग करने से क्या होता है कि ये जो इंटरवाइंड स्ट्रैंड्स हैं ये आपस में एक मैश लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है, एक मैश के जैसे ये नेटवर्क बनाते हुए अरेंज हो जाते हैं। इस तरह से बच्चों आप इस डायग्राम में भी देख रहे हो, ये इंटरवाइंड स्ट्रैंड्स मैश लाइक स्ट्रक्चर बनाते हुए अब अरेंज हो जाते हैं और एक जेल सा बन जाता है, ठीक है। इसके बीच में ये पोर बन जाता है ना, ये पोर है, जैसा कि आप इस स्लाइड में भी देख रहे हो, ये पोर है। कैसे तैयार किया एगेरोस जेल को? हमने एगेरोस जेल लिया, एप्रोप्रिएट कंसेंट्रेशन में लेंगे, ठीक है, एंड इसको हम बफर सॉल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे, हीट करेंगे ताकि कम्प्लीटली डिसॉल्व हो जाए। एंड जब इसका ट्रांसपेरेंट क्लियर सॉल्यूशन मिल जाता है तब हम इसको कूल डाउन करते हैं। कूल डाउन करने के लिए ध्यान में रखना है कि इसका रूम टेम्परेचर पर हम इसको कूल डाउन करेंगे और इस तरह से इसका जेल तैयार हो जाता है। जो पोर बनते हैं ना, आपको ध्यान में रखना है कि पोर साइज, जिसको हम पोरोसिटी भी कहते हैं, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन ऑफ एगेरोस की। कितनी कंसंट्रेशन का हमने एगेरोस लिया है उसके अकॉर्डिंगली जो जेल बनेगा उसमें पोर बनेंगे, ठीक है। पोर साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन ऑफ एगेरोस के। इसका मतलब है कि अगर हमने एगेरोस का कंसंट्रेशन कम लिया है, ठीक है, कंसंट्रेशन अगर कम है तो जो पोर का साइज होगा वो लार्ज होगा, बड़े साइज के पोर बनेंगे, ठीक है। अगर हमने कंसंट्रेशन ज्यादा लिया है तो इसका मतलब है कि पोर जो बनेंगे वो छोटे साइज के होंगे। तो आपको ध्यान में रखना है पोर साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ एगेरोस। अब कितनी कंसंट्रेशन का हमको जेल बनाना है, कितनी कंसंट्रेशन में एगेरोस काम में लेना है, ये डिपेंड करता है कि हमारा जो सेपरेशन करने, जो हमारे सैंपल मॉलिक्यूल्स हैं उनके ऊपर डिपेंड करेगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ एगेरोस डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ सैंपल डीएनए, ठीक है, या सैंपल मॉलिक्यूल्स। इसके बेसिस पर हम कितनी कंसंट्रेशन हमने एगेरोस की लेनी है ये डिपेंड करती है। जस्ट इसको आप ऐसे समझिए, हमारे पास में तीन टाइप्स के डीएनए, एक है जीनोमिक डीएनए, ठीक है, यूकैरियोटिक जीनोमिक डीएनए है, एक है हमारे पास में बैक्टीरियल डीएनए एंड हमारे पास में है प्लाज्मिड डीएनए, ठीक है, तीन टाइप्स के हमारे पास में डीएनए सैंपल है। आपको पता है कि जीनोमिक डीएनए का साइज सबसे बड़ा होगा, देन बैक्टीरियल डीएनए का साइज बड़ा होगा प्लाज्मिक डीएनए से, ठीक है। तो प्लाज्मिक डीएनए को सेपरेट करने के लिए, चूंकि इसका साइज छोटा है तो हमारे जो पोर होने चाहिए ना, पोर साइज वो छोटे होने चाहिए ना, कम होने चाहिए, है ना। अगर बड़े साइज के पोर्स होंगे, जस्ट सपोज ऐसे बड़े साइज के पोर होंगे और हमारा जो मॉलिक्यूल है प्लाज्मिक डीएनए वो छोटे साइज का है, तो वो आसानी से इसमें से पास आउट हो जाएंगे पोर में से, उनके ऊपर जेल का कोई फ्रिक्शनल फोर्स ही नहीं लगेगा, ठीक है। सो डिपेंड करता है कि हमारे सैंपल डीएनए का, सैंपल मॉलिक्यूल का साइज क्या, उसके बेसिस पर हम एगेरोस की कंसंट्रेशन लेते हैं। तो प्लाज्मिक डीएनए के सेपरेशन के लिए हमको छोटे साइज के पोर बनाने हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एगेरोस की हाई कंसंट्रेशन काम में लेंगे, ठीक है। एगेरोस कंसंट्रेशन ज्यादा लेंगे, इससे क्या होगा, हमारे को स्मॉल साइज के पोर्स मिलेंगे, ठीक है। सो प्लाज्मिक डीएनए के लिए यहाँ पर कंसंट्रेशन सबसे हाई होगी, हाईएस्ट कंसंट्रेशन यहाँ पर आएगी एंड लोवेस्ट कंसंट्रेशन का जो एगेरोस काम में लिया जाएगा वो जीनोमिक यूकैरियोटिक डीएनए के लिए काम में लिया जाएगा। गॉट इट माय पॉइंट? इस तरह से भी क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, आपसे पूछा जा सकता है, कुछ कंसंट्रेशन आपको दे दी एंड आपसे पूछा जा सकता है कि प्लाज्मिक डीएनए के लिए किस कंसंट्रेशन का हम एगेरोस जेल काम में लेते हैं।
तो सिंपली आपको ध्यान में रखना है, अगर हमारे मॉलिक्यूल्स का साइज छोटा है तो इसके लिए हमारे को पोर साइज छोटे रखने, पोर साइज छोटे रखने के लिए हम यहाँ पर जो एगेरोस की कंसंट्रेशन होगी उसको हम बढ़ा देंगे। इन जनरल जो कंसंट्रेशन काम में ली जाती है मॉलिकुलर बायोलॉजी में, लैब में जो हम कंसंट्रेशन काम में लेते हैं अपने डीएनए को सेपरेट करने के लिए, वो 0.8% to 5% होती, वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, रेंज ध्यान में रख लेना। वैसे कंसंट्रेशन जो है चेंज हो जाती है, ठीक है, डिपेंड करता है न्यूक्लिक एसिड के साइज के ऊपर, लेकिन ये एक रेंज है, इस रेंज में हम अपने एगेरोस को लेते हैं काम में। एगेरोस को अगर हम कंपेयर करें पॉलीएक्रिलेमाइड जेल से, तो इसका जो रेजोल्यूशन होता है वो इसके कंपैरिजन में पुअर होता है, लेकिन इसके बावजूद भी एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वाइडली यूज में ली जाती है। इसके कई एडवांटेजेस होते हैं, जैसे कि इसका लो जेलिंग टेम्परेचर का होना, जिससे कि ये रिलेटिवली लो टेम्परेचर पर ही सॉलिडिफाई हो जाता है। इसके साथ ही एगेरोस पर न्यूट्रल चार्ज होता है, कोई चार्ज नहीं होने के कारण बहुत ही मिनिमम चांसेस होते हैं कि ये चार्ज मॉलिक्यूल्स के साथ में इसका इंटरेक्शन होगा। इसके साथ ही जो एगेरोस होता है ये स्टेबल जेल होता है, जो कि इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस के दौरान में ये इंश्योर करता है कि जो जेल है वो अपनी इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रखेगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जिसके कारण हम एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को वाइटली काम में लेते हैं डीएनए के आरएनए के सेपरेशन के लिए। इसके साथ ही एगेरोस का एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इसका वर्सेटाइल होना। इसको यूज किया जाता है बोथ इन सॉलिड एंड लिक्विड फॉर्म में, दोनों तरीके से एगेरोस को हम काम में ले सकते हैं। लिक्विड फॉर्म में एगेरोस काम में लिया जाता है पल्स फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक में। इस टेक्निक के द्वारा हम बड़े साइज के डीएनए मॉलिक्यूल्स, जिनको हम एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन पल्स फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में लिक्विड फॉर्म में एगेरोस को काम में लिया जाता है, एंड इससे हम बड़े साइज के डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। पल्स फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ वर्किंग स्टेप्स ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और प्रोसीजर ऑफ एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। फर्स्ट है सेटअप द इलेक्ट्रोफोरेटिक यूनिट। आपको अच्छे से इलेक्ट्रोफोरेटिक यूनिट का सेटअप करना आना चाहिए। यहाँ पर एक पिक्चर दे रखी है जिसमें इलेक्ट्रोफोरेटिक यूनिट के आपको कॉम्पोनेंट दिए हुए हैं। ये बफर टैंक हो गया जिसमें अपना बफर सॉल्यूशन लेते हैं, इलेक्ट्रोड्स हो गए। इलेक्ट्रोड्स में बच्चों आपको ध्यान में रखना है कि जो कैथोड होता है वो मोस्टली ब्लैक कलर या फिर डार्क ब्लू कलर का होता है। ठीक है, डार्क ब्लू कलर का कैथोड लिया जाता है, एंड जो एनोड होता है वो रेड कलर का होता है। ठीक है, जेल ट्रे हो गई जिसमें अपने जेल को हम रखते हैं, कास्टिंग डैम्स हो गए, टैंक लिड है, एंड ये पावर केबल्स है। देखिए केबल्स में आपको ध्यान में रखना है कि जब आप अरेंज करेंगे तो कैथोड के ऊपर कैथोड की केबल होनी चाहिए एंड एनोड के ऊपर एनोड की केबल होनी चाहिए। तो इस तरह से आपको अच्छे से अपने इलेक्ट्रोफोरेटिक यूनिट के कंपोनेंट पता होना चाहिए, इनका यूज कैसे करना है, इनका सेटअप कैसे करना है, ये अच्छे से आपको आना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप होता है जेल प्रिपरेशन का। ठीक है, हम जेल को तैयार करेंगे। जेल तैयार करने के लिए हम अपने सैंपल मॉलिक्यूल्स के साइज के बेसिस पर, ठीक है, एप्रोप्रिएट कंसंट्रेशन में एगेरोस को लेंगे, बफर सॉल्यूशन काम में लेंगे। जिस बफर सॉल्यूशन को हम बफर टैंक में फिल करेंगे उसी बफर को हमने काम में लेना है अपने एगेरोस का जेल बनाने के लिए। ठीक है, यहाँ पर आप एक चीज ध्यान में रखना कि जो बफर सॉल्यूशन काम में लिया जाता है वो लो आयनिक स्ट्रेंथ का होना चाहिए। ठीक है, लो आयनिक स्ट्रेंथ वाला हम बफर काम में लेते हैं। इसके लिए मेनली TAE या TBE काम में लिया जाता है। इनके जो फुल फॉर्म है, पूरे नाम है, वो याद कर लेना, पूछ ली जाते हैं। ट्रिस एसिटेट इथाइलिन डाई एमीन टेट्रा एसिटिक एसिड EDTA TAE या ट्रिस बोरेट EDTA। ठीक है, TBE ये मेनली काम में लिए जाते हैं। ये जो है स्लाइटली बेसिक नेचर के होते हैं। इसके साथ ही डीएनए को डीप्रोटोनेटेड रखते हैं एंड वाटर में सोल्यूबल होते हैं। ईडीटी जो होता है एक चिलेटिंग एजेंट के जैसे भी काम करता है, और डीएनए जिसका हमने एनालिसिस करना है उसको न्यूक्लिसिस के द्वारा इनएक्टिवेट करता है, मीन्स डीएनए को ये डैमेज होने से ये बचाता है। तो हमने अपना एगेरोस लिया, एगेरोस को मान लो 8 ग्राम हमने एगेरोस लिया। अब हम इसको बफर में
डिसॉल्व करेंगे, 100 ml तक मेकअप कर लेंगे, तो हमारा 0.8 कंसंट्रेशन का हमारा जो जेल है वो तैयार होगा। ठीक है, हीट करते हैं। हीट करने के बाद जब हमको ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन मिलता है उसके बाद हम इसको कूल डाउन करेंगे। कूल डाउन करने पर जेल तैयार हो जाता है एंड इसको हम जेल कास्टिंग ट्रे में पोर कर देंगे। जेल बनाने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है पोरिंग का जेल। इसके लिए हम कास्टिंग मोल्ड और कास्टिंग ट्रे लेते हैं, उसमें अपने जेल को पोर करते हैं। साथ ही हमको वेल्स बनाने होते हैं, तो इसके लिए हमारे पास में डिफरेंट साइज के कॉम्ब्स होते हैं। कितने वेल्स बनाने हैं ये डिपेंड करता है सैंपल के ऊपर एंड हमारे लेडर डीएनए के लिए। तो आपको सैंपल के लिए भी वेल्स बनाने एंड लेडर डीएनए के लिए भी वेल्स बनाने होते हैं। लेडर डीएनए हम ऐसे डीएनए को कहते हैं क्योंकि हमारा कंट्रोलर डीएनए होता है, कंट्रोल डीएनए या मार्कर डीएनए हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, या फिर इसको स्टैंडर्ड भी कह सकते हैं। तो ये हमारा लैडर होता है, तो हमको वेल्स बनाने हैं अपने सैंपल के लिए भी एंड लैडर डीएनए के लिए भी। एंड आपको ध्यान में रखना है कि वेल्स जो बनाएंगे उसकी इतनी कैपेसिटी हो कि उसमें अप्रोप्रिएट क्वांटिटी में सैंपल को हम लोड कर सके। ठीक है, कास्टिंग ट्रे में जेल को पोर करने के बाद में हम अच्छे से टेप के लगाकर सील कर देते हैं एंड जेल को सेट होने देते हैं। जिससे मैं बच्चों हम अपने जेल को पोर करते हैं कास्टिंग मोल्ड में, तो मोल्ड के बॉटम में हम एक डीएनए इंटरकैलेटिंग डाई को भी मिलाते हैं। ठीक है, डीएनए इंटरकैलेटिंग डाई का क्या यूज है ये मैं अभी आगे आपको बताती हूँ, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि जस्ट सपोज ये हमारी कास्टिंग ट्रे है, इसमें हमने अपने जेल को पोर किया, यहाँ पर हम अपने वेल्स को बनाएंगे। वेल्स आप ध्यान में रखिएगा, डीएनए का सेपरेशन कर रहे हैं, डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, तो जो वेल्स बनेंगे वो कैथोड की तरफ बनेंगे। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज डीएनए, सॉरी नेगेटिव चार्ज डीएनए पॉजिटिव चार्ज एनोड की तरफ मूव करेंगे, है ना, ये ध्यान में रखना है आपको। वेल्स में सैंपल हम लोड करेंगे, जेल हमने अपना वेल इसमें कास्टिंग मोल्ड में अपने जेल को पोर कर दिया है। अब चारों तरफ से जो इसके ओपन एंड्स होते हैं हम अच्छे से टेप लगा देंगे, इसको सील कर देंगे और अपने जेल को सेट होने देंगे। ठीक है, इस तरह से जेल का सेट करेंगे। जेल को पोर करने से पहले हम बॉटम में एक डीएनए इंटरकैलेटिंग डाई को भी मिक्स कर देते हैं, जिससे कि हम आसानी से डीएनए को विजुलाइज कर सके। इसके लिए हम ईटीबीआर काम में लेते हैं, मोस्टली ईटीबीआर काम में लेते हैं एंड इसकी जो कंसंट्रेशन होती है 0.2 to 0.5 माइक्रोग्राम पर ml इसकी कंसंट्रेशन काम में ली जाती है। ध्यान में रखना है कि जो मोल्ड आप फिल कर रहे हो जेल से तो ओवरफिल ना हो जाए। ठीक है, कास्टिंग मोल्ड आपका ओवरफिल नहीं होना चाहिए एंड इंटरकैलेटिंग डाई जिसको आप मिक्स करोगे वो इवनली मिक्स्ड हो जाए जेल के साथ में, एगेरोस के साथ में। और इसके साथ ही जब जेल को आप पोर करते हो मोल्ड में तो बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए एंड बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ ही आपको ध्यान में रखना है कि आपकी कास्टिंग ट्रे जो है वो टूटी फूटी ना हो। ठीक है, जेल में जो इंटरकैलेटिंग डाई मिलाते हैं मेनली जो काम में ली जाती है ईटीबीआर होती है, जिसका पूरा नाम है इथिडियम ब्रोमाइड। हमारा जो डीएनए मॉलिक्यूल होता है ना, डीएनए सैंपल है, ये कलरलेस होता है, तो इसको हम ना नेकेड आई से नहीं देख सकते। तो ये जो इंटरकैलेटिंग डाई हम काम में ले रहे हैं ये क्या करती है कि जब जेल सेट होता है तो ये उसके साथ में इनकॉर्पोरेटेड हो जाती है और ये डीएनए के साथ बाइंड हो जाती है। डीएनए के साथ बाइंड होकर जब हम सैंपल को अपने डीएनए को यूवी लाइट में देखते हैं तो ये ऑरेंज कलर का फ्लोरेसेंस देती है, ऑरेंज कलर के बैंड हमको दिखाई देते हैं। तो इस तरह से इंटरकैलेटिन डाई को मिलाने पर क्या होता है, आसानी से हमारे डीएनए फ्रेगमेंट्स विजुलाइज्ड हो जाते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना है जितना ज्यादा अमाउंट में डीएनए प्रेजेंट होगा मीन्स उसका बैंड उतना ही ब्राइटर दिखाई देगा। ठीक है, कुछ और इंपॉर्टेंट इंटरकैलेटिन डाइज भी है जैसे कि SYBR ग्रीन, SYBR गोल्ड, DAPI 4-6 डाइएमिडीनो 2 फिनाइल इंडोल। इसका ध्यान में रखना है कि जो डाई है ये डीएनए के 80 रिच रीजन्स पर बाइंड होती है। ठीक है, एंड AAD 7 अमीनो एक्टिनोमाइसिन डी, ये डीएनए के GC रिच रीजन पर बाइंड होती है। इसके साथ ही एक और डाई है जेल रेड। नेक्स्ट स्टेप है सैंपल प्रिपरेशन।
इसमें सैंपल डीएनए या लेडर डीएनए को हम लोडिंग डाई के साथ में मिक्स करते हैं। लोडिंग डाई को हम ट्रैकिंग डाई भी कहते हैं, जो कि मेनली ट्रैक करने के काम में आती है, क्योंकि जो डीएनए होता है वो कलरलेस होता है, ठीक है। तो कलरलेस सैंपल को हम आसानी से ट्रैक कर सके, कब हमको इलेक्ट्रोफोरेटिक यूनिट को ऑफ करना है, ठीक है, इसके लिए हमारे को जरूरी होती है कि हम इसको सैंपल को ट्रैकिंग डाई के साथ में मिक्स करें। जस्ट सपोज ये हमारी जेल कास्टिंग ट्रे है, ये है कैथोड, कैथोड की तरफ हमने अपने वेल्स बनाए, एंड ये है एनोड। जब हम पावर ऑन करेंगे, ठीक है, तो हमारे मॉलिक्यूल्स कलरलेस सैंपल आगे की ओर मूव करेंगे, ठीक है, एनोड की तरफ माइग्रेट करेंगे। एंड कलरलेस सैंपल है तो हमको पता नहीं चलेगा कि हमें ऑफ कब करना है, क्योंकि सैंपल हमारा कलरलेस है, तो पॉसिबिलिटी है ना कि हमारा सैंपल इस बफर टैंक में ही सिंक हो जाए, बफर टैंक में डूब जाए। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम अपने सैंपल में ट्रैकिंग डाई को भी मिक्स कर देते हैं, ठीक है, ट्रैकिंग डाई मिला देते हैं। इससे क्या होगा कि आगे की ओर ट्रैकिंग डाई चलती है, तो हमें पता चलता है कि आगे ट्रैकिंग डाई है, इसके पीछे हमारा डीएनए सैंपल मूव कर रहा होगा, ठीक है, ट्रैकिंग डाई एंड ये सैंपल डीएनए, ठीक है। तो इससे हम ट्रैक कर सकते हैं कि हमारे जो सैंपल डीएनए है वो कहाँ तक पहुंचे हैं, ठीक है। जब ये ट्रैकिंग डाई नियरली एंड तक पहुंच जाती है ट्रे के, तो हम पावर ऑफ कर देते हैं, ठीक है। तो एक तो ये फंक्शन हो गया ट्रैकिंग डाई का, कि इससे हम आसानी से अपने कलरलेस सैंपल को ट्रैक कर सकते हैं। इसके साथ ही ये जो डाई होती है, इसमें या तो ग्लिसरॉल होता है, या सुक्रोज होता है, या फिकोल होता है, जिससे कि क्या होता है कि जब हम इसमें अपने डीएनए को मिलाते हैं तो उसकी डेंसिटी को ये बढ़ा देती है, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि जब पिपेट से हम अपने सैंपल को वेल में लोड करेंगे, इसकी डेंसिटी इन डाइज के कारण थोड़ी सी हैवी हो गई है, डेंसिटी बढ़ चुकी है, तो ये आसानी से वेल में ना सिंक हो जाएगा, है ना। तो इससे हमारा जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो बिना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए ही या फिर जेल में ओवरफ्लो नहीं करना स्टार्ट करेगा, वो आसानी से वेल में सिंक हो जाएगा, आसानी से वेल में डूब जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड जब अप्लाई करेंगे तो वो पोर में से होता हुआ आगे की ओर माइग्रेट करेगा। एंड चूंकि ट्रैकिंग डाई उसके आगे की ओर चलती है, तो हमें पता रहता है कि हमारे सैंपल अभी डीएनए पीछे हैं, हमको अंदाजा हो जाता है कि कब हमारे को अपना इलेक्ट्रोफोरेटिक यूनिट को ऑफ कर देना है। लोडिंग डाइस जो मोस्टली काम में ली जाती हैं, दैट इज जाइलिन साइनोल, क्रिसोल रेड, ब्रोमोफिनोल ब्लू, ऑरेंज जी, जो कि लेस देन 100 बेस पेयर के डीएनए को ट्रैक करने के लिए काम में लिया जाता है, एंड टेट्राजीन, जो कि लेस देन 20 बेस पेयर डीएनए को ट्रैक करने के लिए काम में ली जाती है। नेक्स्ट स्टेप इज लोडिंग सैंपल इन द जेल। अपने सैंपल को हमने आइसोलेट किया, इसके साथ में हमने एक लोडिंग डाई को मिक्स कर दिया, एंड अब हम बहुत ही केयरफुली अपने सैंपल को जो जेल में हमने वेल्स बनाए हैं उसमें लोड करते हैं। इसके लिए हम पिपेट का यूज कर लेते हैं और बहुत ही केयरफुली लैडर वेल में अपने लैडर डीएनए को या स्टैंडर्ड डीएनए को हम पोर करेंगे, एंड इसके साथ ही जो हमारे सैंपल वेल्स हैं इसमें अपने सैंपल डीएनए को हम लोड करेंगे। लोडिंग करते समय आपको ध्यान रखना है कि वेल्स आपके कैथोड की तरफ ही बने हो, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप इज रंधी जेल। सैंपल को लोड करने के बाद में टैंक के ऊपर लिड रखेंगे एंड हमारी पावर केबल्स को इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर ध्यान में रखना है कि कैथोड के साथ में कैथोड एंड एनोड के साथ में एनोड की प्लगिंग की जाएगी, एंड कॉन्स्टेंट वोल्टेज पर जेल पर हम सैंपल को रन होने देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वोल्टेज हमारा कॉन्स्टेंट होना चाहिए। अप्रोप्रिएट जो वोल्टेज है वो 120 वोल्ट एंड 35 मिनट के लिए हम सेपरेशन करते हैं। इतने टाइम पीरियड में डीएनए का सेपरेशन हो जाता है, डीएनए माइग्रेट कर जाता है। रनिंग के लिए जो बफर आप काम में ले रहे हो, जैसे TAE या TBE, तो लो आयनिक स्ट्रेंथ का होना चाहिए ताकि हीटिंग एंड इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस को अवॉइड किया जा सके। डीएनए नेगेटिव कैथोड से पॉजिटिव एनोड की तरफ मूव करते हैं, एंड चूंकि हमने अपने जेल में पहले ही ETBR को मिक्स कर दिया है, तो हम जब हमारा रनिंग हो जाएगी, ट्रैकिंग डाई जेल ट्रे के एंड पर पहुंच जाएगी, हमें पता है कि इसके पीछे अब हमारा सैंपल है, तो हम पावर सप्लाई को ऑफ कर देंगे।
डीएनए को रन कराने के बाद में अब हम इसका ऑब्जर्वेशन करेंगे। ऑब्जर्वेशन करने के लिए एकेरोस जेल को निकालते हैं, यूवी चैम्बर में रखते हैं एंड डीएनए को ऑलरेडी हमने स्टेन किया हुआ था ईटीबीआर के साथ में, तो ऑरेंज कलर के फ्लोरेसेंस बैंड हमको दिखाई देते हैं। जितना ज्यादा अमाउंट में डीएनए प्रेजेंट होगा उसका बैंड उतना ही ब्राइटर होगा, ठीक है, ध्यान में रखना है। जैसे कि यहाँ एक पिक्चर में भी दे रखा है, जितने बड़े साइज का डीएनए होगा, जैसे यहाँ 1000 बेस पेयर का है और ये 100 बेस पेयर का है, तो इसका जो बैंड बनेगा वो मोर ब्राइटर होगा, ठीक है, एंड 100 बेस पेयर का लाइटर बैंड बनेगा, ठीक है। वेल्स हमने मार्कर के लिए एंड अपने सैंपल के लिए बनाया, जैसे यहाँ दिखा रखा है, ये मार्कर के लिए वेल है जिसमें अपने लेडर या स्टैंडर्ड डीएनए को या नॉन साइज डीएनए को हम लोड करते हैं एंड ये अपने सैंपल के वेल से जिसमें अपने सैंपल मॉलिक्यूल्स को हम लोड करेंगे। तो यहाँ जो सेपरेशन हो रहा है बच्चों, क्योंकि सभी डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो यहाँ जो सेपरेशन होता है वो साइज या मॉलिकुलर वेट के बेसिस पर होगा। अब लैडर का हमारे को साइज पता है, उसका मॉलिकुलर वेट पता है, तो हम नोन के साथ में अननोन के जो बैंड्स मिले इसको कंपेयर करते हुए अननोन का भी सैंपल साइज, अननोन फ्रेगमेंट्स के साइज को, उसके मॉलिकुलर वेट को हम आसानी से डिटरमाइन कर सकते हैं। ध्यान रखना है कि जेल पर जब डीएनए का माइग्रेशन होता है तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लॉग ऑफ द मॉलिकुलर वेट, ठीक है, रेट ऑफ माइग्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लॉग ऑफ मॉलिकुलर वेट। इसका मतलब है कि अगर डिस्टेंस में वन यूनिट में चेंज आता है तो मॉलिकुलर वेट में 10 टाइम्स चेंज आ जाएगा। अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, यहाँ पर एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस लिखा, डिस्टेंस माइग्रेटेड एंड यहाँ पर मॉलिकुलर साइज या मॉलिकुलर वेट, ठीक है, जितना ज्यादा मॉलिकुलर वेट होगा, जस्ट सपोज ये 1000 बेस पेयर है, यहाँ पर अपना स्केल लगाएंगे, है ना, तो माना कि ये 1 सेंटीमीटर पर रन करा है ना, तो ये हो जाएगा 0, ये 1 सेंटीमीटर, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ठीक है। तो इस तरह से जितना हैवी हमारा डीएनए होगा, जिसका साइज जितना बड़ा होगा वो उतना ही कम डिस्टेंस पर माइग्रेट हुआ, ठीक है, यहाँ पर हो गया 1000, जस्ट सपोज यहाँ पर हो गया 800, ठीक है, ये 500, हम सिर्फ समझने के लिए वैल्यूज ले रहे हैं, है ना, ये हो गया हमारा 300, ठीक है, ये हो गया हमारा 100, ठीक है। तो जितना छोटे साइज का हमारा डीएनए होगा उसका माइग्रेशन उतना ही ज्यादा होगा। तो इस तरह से एक नेगेटिव कर्व हमको मिलता है। अब अननोन का अगर हमारे को, मान लो ये अननोन डीएनए है, इसका हमारे को मॉलिकुलर साइज को पता करना है, ठीक है, इसका कितना बेस पेयर का ये बना होगा, तो यहाँ पर हम देख लेंगे कि स्केल पर ये कहाँ पर रन हुआ है। जस्ट सपोज आप मान लीजिए कि 500 बेस पेयर पर जो हमारा नोन का डीएनए फ्रेगमेंट है वो मूव करता है, वो आता है 5 सेंटीमीटर पर हमको उसका बैंड मिलता है, ठीक है, एंड 400 बेस पेयर वाला जो नॉन फ्रेगमेंट है ये 4 सेंटीमीटर पर हमको इसका बैंड मिलता है, ठीक है। जस्ट सपोज ये हमारा सैंपल ए का बैंड है, ठीक है, नॉन डीएनए सैंपल ए का बैंड है, तो ये जो है इन दोनों के बीच में मिल रहा है, ठीक है, मान लिया ये कुछ यहाँ पर मिल रहा है ना, यहाँ की 4.5 सेंटीमीटर पर मिल रहा है, तो ये जो अप्रोक्सीमेटली इसका बेस पेयर होगा हम एवरेज निकाल लेंगे, तो ये 450 बेस पेयर का बना हुआ है। तो इस तरह से हम नोन के साथ में अननोन को कंपेयर करते हैं और एक एस्टिमेशन निकाल लेते हैं अपने सैंपल डीएनए का साइज कितना होगा, उसका जो है मॉलिकुलर वेट कितना होगा। फैक्टर अफेक्टिंग सेपरेशन और माइग्रेशन, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि डीएनए माइग्रेशन को अफेक्ट करेंगे, इसमें फर्स्ट है मॉलिकुलर वेट ऑफ सैंपल मॉलिक्यूल्स। सैंपल मॉलिक्यूल्स का वेट जितना ज्यादा होगा उतना ही स्लो रेट पर सेपरेशन होगा, माइग्रेशन स्लो रेट पर होगा, ठीक है। जस्ट सपोज हमारे पास में 2 डीएनए सैंपल है, 60 KD का एंड 20 KD का हमारे पास में डीएनए है, तो 20 KD का जो बैंड है वो आगे की ओर मिलेगा एंड 60 डीएनए का बैंड हमको पीछे की ओर मिलेगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा है, मॉलिकुलर वेट ज्यादा होगा माइग्रेशन की रेट स्लो हो जाएगी। सेकंड है चार्ज स्ट्रेंथ, मोर इज द चार्ज मोर इज द माइग्रेशन,
जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा माइग्रेशन होगा, ठीक है, मोर इज द माइग्रेशन. जस्ट सपोज सैंपल मॉलिक्यूल्स में -3 और -2 चार्ज के साथ में मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, तो -3 का बैंड हमें आगे मिलेगा एंड -2 का इसके पीछे मिलेगा. नेक्स्ट फैक्टर है शेप ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. जस्ट सपोज हमारे जो सैंपल डीएनए है उनका चार्ज सेम है, मॉलिक्यूलर वेट भी उनका सेम है, तो अगर उनका शेप अलग है तब भी डीएनए मॉलिक्यूल का सेपरेशन किया जा सकता है. यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि सर्कुलर सुपरकोल डीएनए का माइग्रेशन सबसे ज्यादा होगा, फास्टली ये माइग्रेट करेंगे. इसके बाद लीनियर एंड निट सर्कुलर डीएनए का माइग्रेशन स्लो रेट पर होता है. जो सुपरकोल डीएनए होता है ये हाईली कोइल्ड होता है, हाईली कंडेंस्ड होता है, ठीक है, इसका कंडेंस डीएनए होता है इसलिए इसका माइग्रेशन भी फास्ट रेट पर होता है. एंड लीनियर डीएनए ये कंपेरेटिवली टू सुपरकोल डीएनए मोर एक्सटेंडेड फॉर्म में होता है, ठीक है, मोर एक्सटेंडेड फॉर्म में होता है इसलिए इसका जो माइग्रेशन है वो कंडेंस डीएनए के कंपेरिजन में स्लो रेट पर होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है. इसके साथ ही जो निट सर्कुलर डीएनए होता है जिसमें मल्टीपल साइट्स पर निक होते हैं, जैसे सपोज इस तरह से ये निक प्रेजेंट है मल्टीपल साइट्स पर, ठीक है, तो इसका जो माइग्रेशन है वो स्लोएस्ट रेट पर होगा, सबसे लास्ट में इसका बैंड मिलेगा, ठीक है, तो बैंड का डायरेक्शन क्या होगा, सबसे आगे की ओर मिलेगा सर्कुलर सुपरकोल डीएनए, देन लीनियर डीएनए एंड देन निक्ड सर्कुलर डीएनए. तो अगर सैंपल डीएनए का चार्ज सेम है, मॉलिक्यूलर वेट सेम है, तो हम शेप के बेसिस पर भी डीएनए का सेपरेशन कर सकते हैं. नेक्स्ट फैक्टर जो कि सेपरेशन को अफेक्ट करता है, दैट इज इफेक्ट ऑफ ETBR. ETBR डीएनए में पॉजिटिव सुपरकोइलिंग को इंट्रोड्यूस करता है. ETBR के कारण डीएनए में पॉजिटिव सुपरकोइलिंग हो जाती है. हमारा जो जीनोमिक डीएनए होता है आपको ध्यान में रखना है वो नेगेटिव सुपरकोइल्ड होता है. इसका मतलब है कि ये जो डीएनए है ये मोर कंडेंस्ड है, ठीक है, इन जनरल डीएनए मोर कंडेंस्ड होता है. इसको जब ETBR से ट्रीट किया जाता है तो इसमें पॉजिटिव सुपरकोइलिंग इंट्रोड्यूस्ड होती है. इसका मतलब जो डीएनए वो रिलैक्स्ड हो जाता है, ठीक है. तो यहां पर अगर हम जेल में जस्ट सपोज इसमें अपने जीनोमिक डीएनए को लोड किया एंड यहां पर जीनोमिक डीएनए के साथ में ETBR को हम लोड करते हैं, तो जो हमको बैंड मिलेगा जीनोमिक डीएनए का बैंड हमें आगे मिलेगा एंड ETBR के साथ में मिक्स किए जीनोमिक डीएनए का बैंड हमको पीछे की ओर मिलेगा, क्योंकि मोर कंडेंस्ड डीएनए का जो माइग्रेशन होता है वो फास्ट रेट पर होता है एंड रिलैक्स्ड डीएनए का माइग्रेशन कंपेरेटिवली टू कंडेंस्ड डीएनए स्लो रेट पर होता है, ठीक है. सभी पॉइंट्स आपको ध्यान में रख लेने. नाउ द एप्लीकेशंस, एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की एप्लीकेशंस क्या है इसको अब हम पढ़ लेते हैं. फर्स्ट है क्वांटिफिकेशन ऑफ डीएनए. एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा डीएनए बैंड्स का सेपरेशन होता है एंड डीएनए के जो बैंड्स बनते हैं वो मॉलिक्यूलर वेट या साइज के बेसिस पर बनते हैं, ठीक है. तो जितना ज्यादा अमाउंट में डीएनए प्रेजेंट होगा, है ना, जब हम यूवी लाइट से उसको विजुलाइज करेंगे तो जितना ज्यादा अमाउंट में डीएनए प्रेजेंट होगा उसका बैंड जो है उतने ब्राइटर कलर का होगा, ठीक है. एंड स्मॉलर साइज के जो फ्रेगमेंट्स होंगे जिनमें कम साइज का डीएनए प्रेजेंट होगा उसके जो बैंड होंगे वो लाइटर कलर के होंगे, है ना, जैसा कि हमने इस पिक्चर में देखा था. यहाँ पर जो डार्केस्ट बैंड दिखा रखे हैं वो इंडिकेट कर रहे हैं कि जो बैंड्स हैं, है ना, यहाँ पर ज्यादा अमाउंट में डीएनए 1000 बेस पेयर का एंड जो लाइटर कलर का बैंड आ रहा है 100 बेस पेयर का हमारे डीएनए का साइज है. तो इस तरह से एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा हम एक रफ आइडिया ले सकते हैं, डीएनए के अमाउंट को हम क्वांटिफाई कर सकते हैं.
नेक्स्ट एप्लीकेशन इज डिटरमिनेशन ऑफ साइज ऑफ डीएनए। एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा हम ना सिर्फ डीएनए का क्वांटिफिकेशन कर सकते हैं बल्कि एक अननोन सैंपल डीएनए के साइज का डिटरमिनेशन भी कर सकते हैं। इसके लिए अननोन डीएनए को कंपेयर किया जाता है नोन डीएनए मॉलिक्यूल्स के साथ में। नेक्स्ट एप्लीकेशन है डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन। एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा हम डीएनए एंड प्रोटीन के बीच में किसी तरह का कोई इंटरेक्शन होता है कि नहीं होता, इसको भी हम चेक कर सकते हैं और इसी को हम एम्सा कहते हैं, इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी शिफ्ट ऐसे और एम्सा, इसी को हम जेल शिफ्ट ऐसे भी कहते हैं। यूजली ये टेक्निक काम में ली जाती है ये डिटेक्ट करने के लिए कि प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स के बीच में किसी तरह का कोई इंटरेक्शन होता है या नहीं। अगर इंटरेक्शन होता है तो ये इंटरेक्शन स्पेसिफिक टाइप का है या नॉन स्पेसिफिक इंटरेक्शन है, इसको भी हम एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा आसानी से चेक कर सकते हैं। देखो सिंपल सा प्रिंसिपल क्या है कि हम कैथोड की तरफ वेल बनाएंगे एंड अपने डीएनए को रन कराएंगे, ठीक है। डीएनए एनोड की तरफ मूव करेगा, है ना। तो यहां पर जस्ट सपोज डीएनए के साथ में किसी प्रोटीन का इंटरेक्शन हो रहा है या नहीं, इसको हमने चेक करना है। तो जस्ट सपोज हमारे पास में कोई प्रोटीन है एक्स है, ठीक है, कोई प्रोटीन एक्स है। हमने यहाँ पर एक अपना लैडर बनाया जिसमें अपने नॉन डीएनए जिसका वेट हमारे को पता है, ठीक है, इसको हमने लोड किया एंड रन कराते हैं। तो जस्ट सपोज हमारे को यहाँ पर इसका बैंड मिलता है, ठीक है। दूसरे वेल में हमने अपने कंट्रोल डीएनए के साथ में हमने प्रोटीन को भी इसमें मिक्स कर दिया। अब हम इसको जेल पर रन कराते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो हमारा बैंड पहले यहाँ पर मिला था अब वो कुछ पीछे की ओर हमारा बैंड मिलता है, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि ये जो प्रोटीन एक्स है ये डीएनए के साथ में बाइंड हो जाता है। जब प्रोटीन डीएनए के साथ में बाइंड होगा तो उसका मॉलिक्युलर वेट इंक्रीज हो जाएगा। मॉलिक्युलर वेट इंक्रीज हो जाएगा तो रेट ऑफ माइग्रेशन वो स्लो हो जाएगी, ठीक है। रेट ऑफ माइग्रेशन स्लो हो जाएगी। रेट ऑफ माइग्रेशन कम होने पर जो बैंड है वो हमको पीछे की ओर मिलेगा। तो हम आसानी से डीएनए का किसी प्रोटीन के साथ में इंटरेक्शन है या नहीं है इसको हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। एक नॉन डीएनए लिया, एक कंट्रोल डीएनए, इसको रन कराते हैं, इसका बैंड हमको एक पोजीशन पर मिला जैसे यहाँ मिला। अब इसके साथ में जिस प्रोटीन को हमने चेक करना है उसको अपने डीएनए के साथ में कंट्रोल डीएनए के साथ में मिक्स किया एंड देन रन कराया तो हम क्या देखते हैं कि ये जो बैंड है जस्ट सपोज 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर मिला तो ये जो बैंड है ये 4 या 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर मिलता है। इसका सिंपल सा लॉजिक इसमें हम समझ सकते हैं कि प्रोटीन डीएनए के साथ में बाइंड हो गया जिससे डीएनए का वेट बढ़ गया, वेट बढ़ने पर रेट ऑफ माइग्रेशन स्लो हो गया एंड बैंड हमको पीछे मिलता है, ठीक है। इसके साथ ही हम ये भी चेक कर सकते हैं कि ये जो प्रोटीन एक्स है ये स्पेसिफिकली इंटरैक्ट कर रहा है या नॉन स्पेसिफिकली इंटरैक्ट कर रहा है, ठीक है। इसको भी हम आसानी से चेक कर सकते हैं। जस्ट सपोज ये हमारा जेल प्लेट है, यहां पर कंट्रोल डीएनए, ठीक है, इसको हमने रन कराया एंड इसका बैंड हमको यहां मिलता है, ठीक है। ये हमारे कंट्रोल डीएनए के साथ में हम प्रोटीन को मिक्स कर रहे हैं एंड प्रोटीन की कंसंट्रेशन हम रिलेटिवली हाई कर रहे हैं, ठीक है। मीन्स यहां पर जो प्रोटीन मिक्स होगा जस्ट सपोज प्रोटीन 1% है या ऐसे समझ लो आप लोग कि डीएनए के साथ में ये एक प्रोटीन यहाँ पर बाइंड हुआ, ठीक है, ए में, एंड वेल बी में डीएनए के साथ में 2 प्रोटीन बाइंड हो रहे हैं एंड वेल सी में डीएनए के साथ में 3 प्रोटीन बाइंड हो रहे हैं, है ना। तो हमको जो बैंड मिलते हैं ना कुछ इस तरह से मिल रहे हैं, ठीक है। तो सबसे आगे मिला हमें अपने कंट्रोल डीएनए का बैंड, उसके पीछे
जैसे जैसे प्रोटीन की कंसंट्रेशन हाई हो रही है, जो बैंड है वो रिलेटिवली स्लो रेट पर माइग्रेट कर रहे हैं एंड इनके जो बैंड है हमको पीछे मिल रहे हैं। ठीक है, तो इससे हम आसानी से बता सकते हैं ना कि ये जो डीएनए है ये साइट स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, साइट स्पेसिफिक नहीं है, डीएनए के पास में इस प्रोटीन के लिए मल्टीपल साइट्स हैं। तो डीएनए जो है, जितना ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन आता जा रहा है वो डीएनए के साथ में बाइंड होता जा रहा है एंड डीएनए उतना ही हैवी होता जा रहा है, इसलिए जो बैंड्स हैं वो पीछे की ओर मिल रहे हैं। अगर ऐसा ना होकर हमारा प्रोटीन स्पेसिफिक होता किसी डीएनए की पर्टिकुलर साइट पर ही बाइंड हो सकता है। जस्ट सपोज ये जो प्रोटीन है ये इसी साइट पर बाइंड हो सकता है, इस केस में क्या होगा, जब हमने प्रोटीन को हाई कंसंट्रेशन में भी ऐड किया है लेकिन जो बैंड्स मिलेंगे ना वो सारे इक्वल डिस्टेंस पर मिलेंगे, क्योंकि डीएनए का जो प्रोटीन है, डीएनए के साथ में बाइंड होने वाला जो प्रोटीन है वो साइट स्पेसिफिक है, डीएनए की एक साइट पर ही वो बाइंड हो सकता है। तो सभी डीएनए पर, ठीक है, सभी वेल्स के डीएनए पर वो एक स्पेसिफिक साइट पर ही बाइंड होगा। स्पेसिफिक साइट पर ही जब बाइंड होगा तो कितनी भी कंसंट्रेशन हम हाई कर लें, डीएनए के पास में उस प्रोटीन के लिए साइट्स अवेलेबल नहीं होंगी। तो इसलिए जो बैंड का वेट होगा वो इन तीनों ही केसेस में इक्वल हो जाएगा, इसलिए जो बैंड मिलेंगे हमको वो इक्वल डिस्टेंस पर होंगे, इनका जो माइग्रेशन होगा वो इक्विवेलेंट होगा। तो इस तरह से हम डीएनए प्रोटीन इंटरैक्शन की भी स्टडी कर सकते हैं एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स फॉर सदन ब्लॉटिंग। एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा जो डीएनए का सेपरेशन होता है उसको हम फर्दर सदन ब्लॉटिंग के लिए काम में लेते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है प्रोटीन काइनेस ऐसे। एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा हम काइनेस रिएक्शन में प्रोटीन काइनेस एंजाइम का एसेंग कर सकते हैं। काइनेस एंजाइम क्या करता है कि एटीपी से एक फॉस्फेट ग्रुप को लेता है एंड प्रोटीन सब्सट्रेट मॉलिक्यूल के ऊपर उसको ट्रांसफर कर देता है। फॉस्फेट ग्रुप के कारण उस मॉलिक्यूल के ऊपर नेट नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, जस्ट सपोज हमारे पास में ये एक प्रोटीन है एंड हमको तीन एंजाइम्स दे रखे हैं, एंजाइम एक्स, एंजाइम वाई एंड एंजाइम जेड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक कंट्रोल प्रोटीन। एगेरोस जेल पर हमने अपना एक कंट्रोल वेल बनाया जिसमें अपने कंट्रोल प्रोटीन को हमने लोड किया। ठीक है, ये अनदर वेल्स हैं, यहाँ पर एक वेल में एक्स मिलाया, दूसरे वेल में वाई एंड थर्ड वेल में हमने जेड को मिला दिया। ठीक है, अब हम रन कराएंगे तो यहाँ पर कंट्रोल प्रोटीन है, यहाँ पर कंट्रोल प्रोटीन के साथ में एक्स है, सेकंड में कंट्रोल प्रोटीन के साथ में वाई एंड कंट्रोल प्रोटीन के साथ में हमने जेड एंजाइम को मिला दिया है। ठीक है, ये जो हमारा प्रोटीन है, जस्ट सपोज इसका कंट्रोल का बैंड यहाँ पर मिलता है, एक्स का बैंड जस्ट सपोज यहाँ मिल रहा है, वाई का बैंड भी जस्ट सपोज यहाँ पर मिल रहा है, लेकिन जो जेड है इसका बैंड जस्ट सपोज यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, ये जो काइनेज एंजाइम है हमको चेक करना है कि जो एंजाइम्स हमने लिए एक्स वाई जेड, इनमें काइनेज एंजाइम कौन सा है। काइनेज एंजाइम का फंक्शन क्या होता है कि ये एटीपी से एक फॉस्फेट ग्रुप को लेगा एंड ट्रांसफर कर देगा जिससे नेट नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, और ये जो जेड वाला एंजाइम है इसको जब हमने प्रोटीन के साथ में मिक्स किया, हम क्या देख रहे हैं कि इसका बैंड सबसे आगे आया। इसका मतलब क्या है कि ये जो जेड प्रोटीन है ये काइनेस एंजाइम है, काइनेस एक्टिविटी को ये दिखाता है। ठीक है, इसने एटीपी से एक फॉस्फेट ग्रुप लिया एंड प्रोटीन के ऊपर एक फॉस्फेट ग्रुप एडिशनल आ गया, एडिशनल आने के कारण इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, नेगेटिव चार्ज बढ़ने के कारण इसका जो माइग्रेशन है वो फास्ट रेट पर हो गया, बिकॉज वी नो वेरी वेल मोर इज द चार्ज मोर इज द माइग्रेशन। तो हम कह सकते हैं कि जो जेड एंजाइम है ये प्रोटीन पी का फास्फोराइलेशन करता है, इसीलिए इसका जो बैंड है हमको आगे मिला है। ठीक है, अगर तीनों ही पोजीशन में बैंड इक्विवेलेंट डिस्टेंस पर मिलते, मान लो जेड के लिए भी यहीं पर मिलता, तो इसका मतलब है तीनों ही एंजाइम्स फास्फोराइलेशन
नहीं करते इस पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए। तो इस तरह से हम एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा प्रोटीन काइनेज ऐसे भी कर सकते हैं। एंड लास्ट एप्लीकेशन है एसेइंग द एक्टिविटी ऑफ टोपोआइसोमेरेस। टोपोआइसोमेरेस ऐसा एंजाइम होता है जो कि डीएनए की टोपोलॉजी में चेंज लेकर आता है, या हम कह सकते हैं डीएनए की शेप या उसके कॉन्फर्मेशन में चेंज लेकर आता है। टोपोआइसोमेरेस दो टाइप के होते हैं, एक जो डीएनए में पॉजिटिव सुपर कोइलिंग को इंट्रोड्यूस करता है एंड एक टाइप का टोपोआइसोमेरेज डीएनए में नेगेटिव सुपर कोइलिंग को इंट्रोड्यूस करता है। एंड हमको पता है जो जीनोमिक डीएनए होता है वो नेगेटिव सुपर कोइल्ड होता है। ऐसा डीएनए मोर कंडेंस्ड होता है इसलिए इसका माइग्रेशन भी फास्ट रेट से होता है। ठीक है, यहां पर हम इन जनरल लिख सकते हैं, आप याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं, माइग्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सुपर कोइलिंग। जितनी ज्यादा कोइलिंग होगी ठीक है उतना ज्यादा माइग्रेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये चेक करने के लिए कि मान लो हमारा जो जीनोमिक डीएनए है ठीक है जो कि नेगेटिव सुपर कोइल डीएनए है, इसमें हमने कोई एंजाइम एक्स मिलाया, ये एंजाइम टोपो आइसोमिरेज है कि नहीं इसको हम चेक कर सकते हैं एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा। एंजाइम एक्स पॉजिटिव सुपर कोइलिंग ला रहा है या एंजाइम एक्स नेगेटिव सुपर कोइलिंग इंट्रोड्यूस कर रहा है, इसको भी हम एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा चेक कर सकते हैं। जस्ट सपोज यहाँ पर हमने अपनी जेल प्लेट ली, ये वेल्स बनाए ठीक है, यहाँ पर जीनोमिक डीएनए को हमने लोड किया जो कि नेगेटिव सुपर कोइल्ड होता है। ठीक है, इसका जो बैंड आ रहा है वो यहाँ पर इसका बैंड मिला। ठीक है, इस वाले वेल में हमने जीनोमिक डीएनए के साथ में एंजाइम एक्स को मिलाया है एंड हम क्या देखते हैं कि अगर इसका बैंड भी ये यहीं पर आ रहा है, सेम डिस्टेंस पर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो एक्स एंजाइम है ये टोपोआइसोमेरेज नहीं है। ठीक है, टोपोआइसोमेरेज एंजाइम नहीं है क्योंकि टोपोआइसोमेरेज जब भी मिक्स किया जाएगा या तो पॉजिटिव सुपर कोइलिंग लेकर आएगा या नेगेटिव सुपर कोइलिंग लेकर आएगा, मीन्स डीएनए की टोपोलॉजी में उसकी शेप में चेंज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जीनोमिक डीएनए का बैंड जहां पर मिल रहा है, जिस डिस्टेंस पर मिल रहा है, उसी सेम डिस्टेंस पर, इक्विवेलेंटली डिस्टेंस पर जीनोमिक डीएनए के साथ में जब हमने एक्स एंजाइम को मिलाया तो उसका बैंड भी वहां पर मिल रहा है। तो हम आसानी से ये कह सकते हैं कि जो एंजाइम है ये टोपो आइसोमेरेज नहीं है। बट जस्ट सपोज इसका जो बैंड है ठीक है यहाँ पर ना मिलकर हमको कुछ पीछे मिले, ठीक है यहाँ हम डिस्टेंस ले लेते हैं 6 सेंटीमीटर और ये डिस्टेंस ले लिया हमने 4 सेंटीमीटर। ठीक है, जस्ट सपोज यहाँ पर मिल रहा है तो हम यहाँ पर ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये जो एंजाइम एक्स है ये टोपो आइसोमेरेज एंजाइम है एंड ये पॉजिटिव सुपर कोइलिंग इंट्रोड्यूस करता है क्योंकि जीनोमिक डीएनए जो है वो नेगेटिव सुपर कोइल्ड होता है। नेगेटिव सुपर कोइल्ड में हम जब ऐसा टोपो आइसोमेरेज मिलाएंगे जो उसमें पॉजिटिव सुपर कोइलिंग को इंट्रोड्यूस करेगा तो हमारा मोर कंडेंस्ड डीएनए ठीक है ये रिलैक्स्ड हो जाएगा एंड डीएनए जब रिलैक्स्ड हो जाता है तो उसका जो रेट ऑफ माइग्रेशन है वो स्लो हो जाता है। ठीक है, रेट ऑफ माइग्रेशन स्लो हो जाता है इसलिए इसका जो बैंड है वो पीछे की ओर मिलता है। बट जस्ट सपोज हमको ये जो बैंड है ये यहाँ ना मिलकर मान लो यहाँ पर मिलता है, लेट्स ये 7 सेंटीमीटर का हमने डिस्टेंस ले लिया ठीक है यहाँ पर मिलता है, मीन्स जो हमारा जीनोमिक डीएनए है उससे भी आगे जीनोमिक डीएनए में एक्स मिलाने पर हमको बैंड मिलता है। तो इससे भी हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये जो एंजाइम एक्स है ये टोपो आइसोमेरेज एंजाइम है और ये नेगेटिव सुपर कोइलिंग लेकर आता है। जीनोमिक डीएनए में जब हमने एक्स को मिलाया तो हमारा नेगेटिव सुपर कोइल डीएनए में और ज़्यादा कोइलिंग हो गई है। ठीक है, कोइलिंग बढ़ गई है, मोर कंडेंस्ड हो गया है। मोर कंडेंस्ड होने पर इसका जो माइग्रेशन है मोर
फास्ट हो गया, ठीक है, मोर फास्टली ये माइग्रेट कर गया, इसलिए इसका जो बैंड है ये और आगे की ओर मिला है। तो इस तरह से हम एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा आसानी से टोपो आइसोमेरेज एंजाइम का एसिंग कर सकते हैं। हम ये चेक कर सकते हैं कि जो एंजाइम है ये डीएनए की टोपोलॉजी में चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा, और ये पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग लेकर आ रहा है या नेगेटिव सुपर कॉइलिंग लेकर आ रहा है। स्टूडेंट्स, आज हमने एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को डिटेल में डिस्कस किया है। आई होप आपके लिए ये लेक्चर बेनिफिशियल होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज आप एक लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर भी करें। नेक्स्ट वीडियो में हम पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को डिटेल में डिस्कस करेंगे।